प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत गांव में निर्मित शौचालय की जियो टैगिंग 80% से कम करने वाले 8 सहायक विकास अधिकारी व 55 ग्राम पंचायत सचिवों का जिलाधिकारी के निर्देश पर रोका गया वेतन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। कैंट पुलिस एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी व पशु तस्कर को एक अन्य साथी सहित किया गिरफ्तार। 3 किलो गांजा किया बरामद। सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने किया खुलासा। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घर से निकलते समय हेलमेट लगाकर ही निकलें बाहर। बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर वाहन का किया जाएगा चालान। यातायात नियमों का करें पालन। २९ मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। आर्बिट्रेशन वादों का किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जिले में चल रहे अवैध स्टैंड पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा कि स्टैंडों को चिन्हित करके बनाया जाएगा पार्किंग। नगर निगम द्वारा जल्द किया जाएगा टेंडर। मिशन प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प सहित विभिन्न परियोजनाओं की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ की अध्यक्षता में पैरोकार और कोर्ट मुहर्रों तथा पुलिस कर्मियों की बैठक हुई संपन्न। अच्छे कार्य करने वाले 5 पुलिस कर्मियों को डीआईजी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, प्रभावी मॉनिटरिंग के कारण इस वर्ष 69 मुकदमों में सुनाई गई सजा, लगभग 40 मुकदमे में हुई है उम्र कैद की सजा। प्रधानमंत्री के 8 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण होने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर और जिला के पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। कहा, 1 से 15 जून तक चलने वाले अभियान पर की गई चर्चा। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जनपद में चल रहे मनरेगा के कार्यों की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के द्वारा कलेक्ट्रेट से निकाला गया जागरूकता मोटरसाइकिल रैली। हेलमेट लगाने के प्रति लोगों को किया गया जागरूक।